बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर 9 का लेक्चर नंबर 19 है, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो आइए चलकर आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 की जो स्टेटमेंट है उसको कहते हैं टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस वन इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये आपने प्रूफ करना है। तो इसमें स्टूडेंट्स हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस वन, ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके हम राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो अब इसमें देखते हैं हम टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस, अब इस वन की जगह पे मैं कुछ लिखूंगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एंड नीचे टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस वन। अब इस वन को मैंने रिप्लेस किया इस वन को सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से। कैसे किया है, हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब टेन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जब क्या हो जाएगा माइनस, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो ये रीजन है, इसलिए मैंने वन को क्या लिखा है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप आगे मजीद इसको करते हैं टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस, अब स्टूडेंट्स आपको फार्मूला एक बताया गया, पहले भी हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यही फार्मूला मैं इस पर लगाऊंगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी मतलब सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इंटू ए प्लस बी सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये मैंने इसको लिखा, किसको लिखा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को, इस फार्मूला की ओर से। नीचे वैल्यू वैसे आएगी सेम टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस वन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको मैं क्या ले लूँगा बाहर कॉमन ले लूँगा। तो कॉमन लेते हैं इसको टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, अब यहाँ ये कॉमन चला गया बाहर, तो यहाँ क्या रह गया वन माइनस, यहाँ पे ये कॉमन बाहर चला जाएगा, ये क्या रह जाएगा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। नीचे वाली वैल्यू सेम आएगी टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस वन, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको अरेंज करके लिखते हैं टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, अब इसको लिखते हैं वन माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। नीचे इसको अरेंज करके अगर लिखे वन माइनस सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, अब देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो क्या होगी कैंसल होगी कट गई, वन माइनस सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, इसको अरेंज करके मैंने लिखा वन माइनस सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, रह क्या गया हमारे पास टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और ये कौन सी साइड है वाली राइट हैंड साइड, ठीक है। अब सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन हमने प्रूव कर लिया लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड में प्रूव कर लिया। सिर्फ क्या किया वन को मैंने लिखा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 में स्टूडेंट को कहते हैं वन ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस वन ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू वन ओवर साइन थीटा माइनस वन ओवर कोसेकेंट प्लस कॉट थीटा। तो अब इसको कुछ इस तरह सॉल्व करते हैं, जो साइन वाली वैल्यू उनको एक साइड पे कर रहे हैं, कोसेकेंट और कॉट वाली वैल्यू को एक साइड पे। तो वन ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, अब ये माइनस वाली वैल्यू यहाँ आके क्या हो जाएगी प्लस, प्लस वन ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट इज इक्वल टू वन ओवर साइन थीटा, अब ये माइनस यहाँ पे वैल्यू हो रही है वहां क्या हो जाएगी प्लस, प्लस वन ओवर साइन थीटा, ठीक है। तो अब इसको ना हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, इस साइड को भी यहाँ पे सॉल्व करते आएंगे और इस साइड को भी सॉल्व करते आएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू यहाँ से एलसीएम क्या आ रहा है साइन थीटा, ऊपर वन
इधर प्लस वन। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो माइनस वाली वाली कट जाएगी, प्लस वाली आ जाएगी ऊपर, कोसेकेंट थीटा प्लस थीटा, एंड इधर प्लस वाली वैल्यू कट जाएगी, माइनस वाली आएगी, कोसेकेंट थीटा प्लस प्लस माइनस वाली वैल्यू आएगी, सॉरी कोसेकेंट थीटा माइनस फोर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते आ रहे हैं, इसका भी आंसर इसके दोनों के इक्वल आ जाएगा। अब ये माइनस फोर थीटा प्लस फोर थीटा आपस में कैंसिल, कोसेकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा कितने हो गए, टू कोसेकेंट थीटा। एंड नीचे ये फार्मूला बना ए माइनस बी इंटू ए प्लस, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस वन टू ओवर साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब टू कोसेकेंट थीटा डिवाइडेड बाय वन। अब ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है वन, क्योंकि हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है के कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप अगर इसको कोसेकेंट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ आके माइनस इज इक्वल टू वन, तो इसके थ्रू मैंने लिखा है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अब ये हो गया टू डॉट वन ओवर साइन थीटा, टू को मैंने स्टार्ट में लिख दिया वन ओवर साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब टू कोसेकेंट थीटा टू वन ओवर साइन किसके बोलते हैं कोसेकेंट थीटा के, तो ये दोनों का आंसर देखिए क्या आ गया, सेम आ गया टू कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू टू कोसेकेंट थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ये वाली साइड ले लें, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके वो राइट हैंड साइड प्रूव कर दें, इसको टू ओवर साइन थीटा टू कोसेकेंट थीटा, या इसी तरह साइमल्टेनियसली भी आप इसको सॉल्व कर दें, इस तरह तीन चार स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा। तो अभी ये हमारा सॉल्व हो गया, हैंस प्रूफ लिख दें, हैंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी मेरा क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व हो गया, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में वो कहता है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स, इसकी हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब स्टूडेंट्स, आपने सेवन प्लस एट नाइन्थ या टेंथ अलजब्रिक में अलजब्रिक को चैप्टर था, उसमें आपने फार्मूला पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ये फार्मूला स्टूडेंट्स होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए। ये फार्मूला आपने मैट्रिक तक पढ़ा है, तो यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब हमारे पास क्या है, साइन क्यूब थीटा, इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा का क्यूब माइनस कॉस थीटा का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ए साइन थीटा है, बी क्या है कॉस थीटा, तो यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, लिखेंगे इसको साइन थीटा ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी ए साइन थीटा एंड बी कॉस थीटा। बिल्कुल यही हमने फार्मूला इस पर अप्लाई की है। अब इसको मजबूत आगे करते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे आपको पता है ये आइडेंटिटी बन गई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है वन के इक्वल, तो हम इसको वन लिखेंगे प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। आगे रीजन में आप लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो अब ये हमारी कौन सी साइड है स्टूडेंट्स, ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो ये राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपली तीन स्टेप में ही हो गया। ठीक है, बस आपने ये फार्मूला याद रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपने मैट्रिक तक ये फार्मूला पढ़ा है। अब हम चलते हैं, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन 20 की तरह ही है, बस उसमें थोड़ी सी एक लॉजिक वाली बात है, आपने वो याद रखनी है। तो क्वेश्चन 21 की भी हम जो है लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड साइन सिक्स थीटा माइनस कॉस सिक्स थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें भी यही फार्मूला अप्लाई होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। कैसे, आपने साइन सिक्स थीटा को आप लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब,
बिकॉज 2, 3 से मल्टीप्लाई होकर फिर वही पावर बन जाएगी 6। तो आप इसको सेम है इसको भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3। अब यही सेम फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो इसमें अप्लाई करते हैं ए माइनस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने फार्मूला ओपन कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस वन। अब मजीद आगे इसको करते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें आंसर में यहाँ पे वन चाहिए, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है। अब ये है प्लस वन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाला को फार्मूला बनाएंगे। तो देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये मैंने कैसे लिखा है ये इसको समझना है आपने। अब मुझे इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे प्लस टू ए बी रिक्वायर्ड था। ए बी ए क्या है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा एंड बी है कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्लस टू ए बी मुझे बनाना था। तो अब मैं ये दिया हूं मेरे पास वन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो वन को मैं लिख सकता हूँ एज यू नो वन को मैं लिख सकता हूँ टू माइनस वन वो सेम दोबारा किसके इक्वल आ जाएगा वन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है कोई भी चीज़ है वन के वन है तो मैं उसको लिख सकता हूँ टू माइनस वन थ्री माइनस टू जो मुझे रिक्वायर होगा मैं उस मुताबिक उसे बनाऊंगा। तो अब मुझे रिक्वायर था टू तो इसलिए मैंने इसको टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू है ये माइनस वन है टू माइनस वन दोबारा वही साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोबारा वही चीज बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने क्यों किया मैंने ये कंप्लीट स्क्वायर बनाना था ए प्लस बी का। तो अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी ये किसका फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ये सारा क्या बन गया ये वाला फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर एंड साथ में ये क्या आएगा सिर्फ माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स क्या किया सिंपल हमें प्लस टू चाहिए था प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इसको मैंने चेंज किया इसको इसको क्या लिखा मैंने प्लस टू माइनस वन दोबारा वही प्लस वन बन जाएगा। तो अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन होता है एडेड ही है तो वन वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा वन ही हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप रीजन भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन ये रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है अब ये कौन सी साइड है भाई राइट हैंड साइड तो ये राइट हैंड साइड प्रूव हो गई सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन 20 भी हो गया क्वेश्चन 21 भी। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 21 की तरह ही है बस थोड़ा सा प्लस माइनस का फर्क है। तो इसको देखते हैं इसमें हम कहते हैं साइन सिक्स थीटा प्लस कॉस सिक्स थीटा इज इक्वल टू वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है 20 भी इंपॉर्टेंट है ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनको आपने सही से तैयार करना है सही से प्रिपेयर करना है इनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन सिक्स थीटा माइन प्लस कॉस सिक्स थीटा। अब इसको सेम एज क्वेश्चन नंबर 21 की तरह मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब उसमें था माइनस 21 में क्वेश्चन में तो 22 में है प्लस। अब वहां पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा। तो अब ए वो फार्मूला क्या है वो ये फार्मूला ए क्यूब
प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए। तो ये फार्मूला हमारे पास। अब इसको अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा बिकॉज ए प्लस बी है इंटू ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर माइनस ए बी साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा। तो ये हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। अब साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा ये किसके इक्वल है, वन के इक्वल, वन इंटू साइन स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर। अब देखिए मुझे बिल्कुल सेम 21 क्वेश्चन की तरह इसमें भी होल स्क्वेयर बनाना है, तो प्लस टू मुझे चाहिए, तो प्लस टू साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस थ्री साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा। अब देखिए ये मैंने कैसे लिखा, अब इसकी रीजन जो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू वन, ये आप लोग सामने रीजन लिख दें कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन, ये इसके लिए आप रीजन लिख दें, ठीक है इसके लिए रीजन। तो अब इसको मैंने चेंज किया माइनस माइनस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस वन साइन स्क्वेयर थीटा, ये क्या था माइनस वन साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा। तो अब इसको मैंने क्या इसमें चेंज किया है, इसको मैंने चेंज किया है प्लस टू माइनस थ्री में, बिकॉज मैं माइनस वन को लिख सकता हूँ टू माइनस थ्री लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट्स, फिर आंसर क्या आ जाएगा वही माइनस वन जिस हमने अभी वन को टू माइनस वन लिखा था। तो इसी तरह हमें कंप्लीट स्क्वेयर बनाने के लिए प्लस टू का चाहिए, प्लस टू साइंस स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा, इसलिए मैंने प्लस इसको माइनस वन को लिखा माइनस वन साइंस स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा को मैंने लिखा प्लस टू साइंस स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस थ्री साइंस स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा। अगर इनको सॉल्व करेंगे फिर दोबारा वही माइनस वन साइंस स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये टोटली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वेयर बन रहा है, कैसे बन रहा है ए प्लस बी, ए है हमारे पास साइंस स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर, और आगे क्या रह जाएगा माइनस थ्री साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा। अब ये किसके इक्वल होता है वन, वन का स्क्वेयर माइनस थ्री साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे रीजन लिख लें आप सेम वही साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन। तो ये रीजन भी क्वेश्चन का ऐसा आप लोगों ने ये लाजमी लिखे हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो आप लोगों के एग्जाम में मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, इसकी वजह से कट सकते हैं मार्क्स। तो ये आपने लाजमी साइड पे रिजल्ट लिखेंगे। तो वन का स्क्वेयर वन, वन माइनस थ्री साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा। अब ये हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारा सॉल्व हो गया सिंपल ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले से। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत इजी है, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 ओवर 1 प्लस साइन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड 1 ओवर 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 ओवर 1 माइनस साइन थीटा। अब इसमें जो एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या है हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब प्लस वाली वैल्यू कट जाएगी माइनस वाली ऊपर आएगी 1 माइनस साइन थीटा प्लस, अब माइनस वाली कट जाएगी वैल्यू प्लस वाली आएगी 1 प्लस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल एंड 1 प्लस 1 2 ओवर। अब ये फार्मूला क्या बन गया हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मतलब 1 का स्क्वेयर 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 2 ओवर 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वेयर थीटा, बिकॉज आगे आप देखते हैं कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन, यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ये पहले भी हमने अपने क्वेश्चन में इसको यूज़ किया है। तो साइन स्क्वेयर थीटा यहाँ प्लस हो रहा था वहाँ जाके माइनस हो गया, इसलिए वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वेयर थीटा। अब इसको मैं लिखूंगा टू डॉट वन ओवर कॉस स्क्वेयर थीटा, वन ओवर कॉस क्या होता है सेकेंड, तो टू इंटू सेकेंड स्क्वेयर थीटा, और ये है हमारी राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 भी हमारा सॉल्व हो गया सिंपल इजी, हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज 9.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 की ये स्टेटमेंट है, इसमें अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा। तो अब हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये एलसीएम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब माइनस वाली वैल्यू कैंसिल, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई हुआ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से, तो क्या हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस, इसी तरह प्लस वाली वैल्यू कैंसिल, माइनस वाली माइनस से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर, कॉस थीटा माइनस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका स्क्वायर करते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू कॉस थीटा साइन थीटा। इसी तरह इसका स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी का स्क्वायर है माइनस टू ए बी कॉस थीटा साइन थीटा, एंड नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करो, प्लस टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस टू कॉस थीटा साइन थीटा, ये क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब देखिए ये आइडेंटिटी बन रही है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, वन के, ये भी आइडेंटिटी वन के। तो अब मैं इसको लिखता हूं वन प्लस वन डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो वन आपने लिखा है इसकी रीजन आप बोलो आगे लिख लें कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो ये रीजन आप आगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब वन प्लस वन टू डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स मुझे राइट हैंड साइड पे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा इसको चेंज करूंगा, टू ओवर इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैसे इस आइडेंटिटी से इससे रीजन लिख दें कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने क्यों लिखा, बिकॉज हमें राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए साइन स्क्वायर थीटा रहेगी, माइनस वन कितने हो गए माइनस टू, टू ओवर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और ये है हमारी राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स हमारा ये लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, हमारी एक्सरसाइज 9.4 एंड हो गई आज, आज हमारा चैप्टर 9 भी एंड हो गया, जिसके हमने टोटल 19 लेक्चर्स में इसको ख़त्म किया है। तो आपने जो है अभी तक अगर कोई भी लेक्चर आपका मिस है तो इसकी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के नाम से मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने उसको विजिट करना है, वहाँ से सारे लेक्चर दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपने उसको वहाँ से देख लेने हैं, वहाँ से लेक्चर देख लेने हैं, समझ लेने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब अभी जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे, तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, कोई मसला कोई बात समझ नहीं आई, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया, तो आपने कमेंट सेक्शन में हमसे पूछने हैं, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।